नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरके, और आप देख रहे हैं आरके ट्रेडिंग। दोस्तों आज तारीख है 25 जुलाई 2019, और आप लोगों के लिए कल के लिए यानी 26 जुलाई 2019 फ्राइडे के लिए अपने 3 स्टार सेक्शन में दोस्तों 3 स्टॉक को सेलेक्ट कर लिया हूं। उसको किस लेवल पे बाय करेंगे दोस्तों, किस लेवल पे सेल करेंगे, किस लेवल पे क्या स्टॉप लॉस रहेगा, क्या टारगेट, इन सारी चीजों की जानकारी यहाँ पर मैं दूंगा। उसके पहले दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक और शेयर कीजिए। मेरे इस चैनल पर डेली स्टॉक परफॉर्मेंस का रिव्यू, बैंकिंग स्टॉक्स के एनालिसिस, साथ में फार्मा स्टॉक एनालिसिस, अदर सेक्टर के एनालिसिस, आईटी सेक्टर के एनालिसिस, बहुत सारी चीजें मिलती है। प्लेलिस्ट के पास जाएंगे, प्लेलिस्ट में अलग अलग हिसाब से सारी चीज प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप इसको अलग अलग तरीके से स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल स्टॉक्स, स्टॉक्स फटाफट, सारी चीज गेनर, निफ्टी के गेनर, लूजर, हीरो ऑफ सेक्टर, इन्वेस्टमेंट में स्टॉक, सब अलग अलग तरीके से ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, साथ में ट्रेडिंग टर्मिनल जिसमें बहुत सारे स्क्रीनर भी हैं, स्ट्रेटेजी भी है, इन सारी चीज़ों को अलग अलग तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं और उस पर आप बैक टेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन से 3 स्टॉक्स हैं जिसे कल हम लोग 26 जुलाई 2019 को इंट्राडे में ट्रेड करेंगे। दोस्तों तीनों स्टॉक में ट्रेड करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करके ही ट्रेड करें, क्योंकि यहाँ मैं सिर्फ अपनी रिसर्च एनालिसिस को आपके एजुकेशन पर्पज के लिए पोस्ट करता हूँ, तो इसमें आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी चैनल की नहीं हो। तो डिस्क्लेमर को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टॉक है दोस्तों हमारा LIC हाउसिंग फाइनेंस का। 15 मिनट का चार्ट है LIC हाउसिंग फाइनेंस का। बिल्कुल देखिए ट्रायंगल पैटर्न में, डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न में अपने आप को होल्ड कर रहा है, धीरे धीरे जगह आप कम करता जा रहा है ये ट्रेड करने के लिए। अब जिधर ये ऊपर ब्रेक करेगा तो बाय, नीचे ब्रेक करेगा तो सेल। तो LIC को दोस्तों हम लोग बाय करेंगे जब ये कल ब्रेक करेगा ऊपर की तरफ 529 को, तब बाय अबव 529। पहला टारगेट है दोस्तों 533 का, 533 का। दूसरा टारगेट 537, 537, और तीसरा टारगेट 541 यानी 541 का। स्टॉप लॉस 525 का होगा यानी 525 रुपए का। अगर LIC हाउसिंग फाइनेंस दोस्तों ब्रेक करता है नीचे की तरफ 521 को तो सेल करेंगे, सेल बिलो 521। पहला टारगेट है दोस्तों 517 यानी 517, दूसरा टारगेट 513, 513, और तीसरा टारगेट 509 यानी 509 का। स्टॉप लॉस 525 का होगा इस कंडीशन में यानी 525 का। दोस्तों शुरू के 5 मिनट बिल्कुल भी ट्रेड को अवॉइड करें, उसके बाद अगर स्टॉक हमारे बाइंग या सेलिंग लेवल को एग्जीक्यूट करता है तो ही ट्रेड करें, वरना उस ट्रेड को अवॉइड कर दें। और मेरा इंट्राडे ट्रेडिंग कोर्स जो दोस्तों ऑनलाइन 12 अगस्त से शुरू हो रहा है 12 अगस्त से, तो जिन लोगों को कोर्स ज्वाइन करना हो वो 8 अगस्त से पहले अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। कॉल करके सारी जानकारी आप ले सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी। दूसरा स्टॉक है दोस्तों हमारा सन टीवी का। देखिए 15 मिनट का चार्ट है, बिल्कुल बुलिश फ्लैग पैटर्न बनाते हुए स्टॉक ट्रेड कर रहा है सन टीवी। तो अब ये बहुत अच्छे तरीके से प्राइस चैनल भी फंसा हुआ है सन टीवी। तो सन टीवी दोस्तों ऊपर की तरफ अगर 480 को ब्रेक करता है तो बाय करेंगे, बाय 480। पहला टारगेट 483 यानी 483, दूसरा टारगेट 486 486, और तीसरा टारगेट 489 यानी 489 का। स्टॉप लॉस 477 यानी 477 का होगा। अगर सन टीवी दोस्तों 474 को नीचे की तरफ ब्रेक करता है सेल करेंगे, सेल बिलो 474। पहला टारगेट 471 का यानी 471 रुपए का, दूसरा टारगेट 468 468 रुपए का, और तीसरा टारगेट 465 यानी 465 रुपए का। स्टॉप लॉस 477 का होगा यानी 477 रुपए का। अगर फर्स्ट टारगेट के पास भी अगर स्टॉक आता है दोस्तों तो जरूर अपना 50-70% क्वांटिटी बुक कीजिए, बाकी का आप स्टॉप लॉस सेल कर सकते हैं। दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा, इसमें मैं लाइव में कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूं, और आप जाके ज्वाइन होकर देख सकते हैं कि वहां पे मेरा कॉल्स का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। तो यहां पे मैंने 3 तरीका बताया ज्वाइन होने का टेलीग्राम चैनल पे। पहला प्रोसेस है दोस्तों कि आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं। दूसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप अपने मोबाइल में टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल कीजिए, उसके बाद उसे ओपन करिए। ओपन करने के बाद आरके ट्रेडिंग BGP को सर्च कीजिए अपने टेलीग्राम ऐप में, तो वहाँ पे मेरा चैनल मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। तीसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप मुझसे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं, मैंने यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दे दिया है और यही मेरा कॉल का भी नंबर है, तो आप यहाँ भी मुझसे अपना व्हाट्सअप पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं, तो जरूर वहाँ पर ज्वाइन होइए, लाइव में मैं कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूँ वहाँ पर भी। तीसरा और अंतिम स्टॉक है दोस्तों हमारा इस कंडीशन में टाटा स्टील का। देखिए डेली का चार्ट है ये टाटा स्टील का, बिल्कुल बहुत पुराना फरवरी के पास इस प्राइस को इसने टच किया था 440 का, और आज जाके इसने टच किया वापस लगभग 7 महीने के बाद। तो टाटा स्टील बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन पे खड़ा है, टाटा स्टील को बाय करेंगे 444 के ऊपर, बाय अबव 444। एंड पहला टारगेट 447 का यानी 447 का, दूसरा टारगेट 450 450,
और तीसरा टारगेट 453 यानी 453 रुपए का होगा। स्टॉप लॉस 441 यानी 441 का। अगर टाटा स्टील दोस्तों 438 को नीचे की तरफ ब्रेक करता है सेल करेंगे, सेल बिलो 438, पहला टारगेट 435 का यानी 435, दूसरा टारगेट 432 यानी 432 और तीसरा टारगेट 429 यानी 429 रुपए का होगा। स्टॉप लॉस 441 का होगा यानी 441 का। दोस्तों बिना स्टॉप लॉस के कभी भी ट्रेड करने की कोशिश ना करें और अपने स्टॉप लॉस को बिल्कुल फॉलो करिए, साथ में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का भी यूज करें। तो ये थे तीन स्टॉक जिसे कल हम लोग फ्राइडे को यानी 26 जुलाई 2019 को इंट्राडे में ट्रेड करेंगे। अगर एनालिसिस पसंद आती है दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।